इस वीडियो में हम लोग यूरोपियन कंट्रीज के 10 ऐसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानेंगे जिसे सुनकर आप लोग भी बोलेंगे। रूल नंबर 10, कैरिंग ब्रेथलाइजर इन फ्रांस। अगर आप फ्रांस में कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपके कार में एक पर्सनल ब्रेथलाइजर होना अनिवार्य है, नहीं तो आपको फाइन देना पड़ सकता है। रूल नंबर 9, नो संडे कार वॉशेस। तो जर्मनी के कुछ पार्ट में आप संडे को अपनी गाड़ी नहीं धो सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि छुट्टी के दिन ये एक लोगों के लिए डिस्टर्बेंस हो सकता है। रूल नंबर 8, नो GPS विद स्पीड कैमरा अलर्ट। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप फ्रांस या स्विट्जरलैंड में कोई भी ऐसा GPS वाला ऐप यूज़ नहीं कर सकते हैं जो कि आपको स्पीड कैमरा का अलर्ट्स देता हो। रूल नंबर 7, ड्राइविंग शर्टलेस इन स्पेन। स्पेन में बिना शर्ट के कार ड्राइव करने से आपको फाइन देना पड़ सकता है, क्योंकि इससे लोगों का ध्यान भटक सकता है। रूल नंबर 6, ड्राइविंग विथ फ्लिप फ्लॉप्स, यानी कि आप चप्पल पहन के कार नहीं चला सकते हैं। इसे एक अनसेफ फुटवेयर के तौर पर देखा जाता है। रूल नंबर 5, नो हॉन्किंग विदाउट अ रीजन। अगर आप बेवजह ज़्यादा हॉर्न का प्रयोग करते हैं तो आपको फाइन देना पड़ सकता है, और ख़ास करके रेसिडेंशियल एरियाज में। रूल नंबर 4, रनिंग आउट ऑफ फ्यूल इन ऑटोबान। तो जर्मनी के ऑटोबान में अगर हाई स्पीड हाईवेज पर आपका फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो इसके लिए आपको अलग से फाइन देना पड़ सकता है। रूल नंबर 3, ड्राइविंग विथ ब्रोकन विंडशील्ड। तो अगर आपकी गाड़ी का शीशा फूट चुका है तो उसे आप पहले रिपेयर करवा लें, नहीं तो इसके लिए आपको मोटा फाइन देना पड़ सकता है। रूल नंबर 2, ड्राइविंग टू स्लोली इन इटली और जर्मनी। तो इन रीजन्स के कुछ हाईवे पर अगर आप बहुत ही स्लो गाड़ी चलाते हैं तो आपको मोटा फाइन देना पड़ सकता है। एंड द रूल नंबर 1 इज हिच हाइकिंग। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी गाड़ी में किसी को लिफ्ट देते हैं तो इसके लिए आपको भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तो ये थे यूरोपियन कंट्रीज़ के 10 कुछ ऐसे ट्रैफिक रूल्स जो कि इंडिया से तो बिल्कुल ही अलग हैं। तो आप लोग कमेंट्स में ये बताइए कि अगर ये सारे रूल इंडिया में आ जाएं तो क्या होगा, और आपको सबसे अच्छा या सबसे अजीब कौन सा रूल लगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।